बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चॉकलेट बिस्किट पुडिंग की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया, 1/2 कप कंडेंस मिल्क, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप दूध, 1/2 कप कोको पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम आंच रखनी है आपने। दूध ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास अगर फ्रेश हो तो वो ले लीजिएगा, मेरे पास ये डब्बे वाला दूध है तो इसलिए मैंने डब्बे वाला लिया है। बॉयल आने का वेट करते हैं। तो दूध को बॉयल आने तक हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स ना रहे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे अब हम साइड पर रखते हैं। दूध को आपने वक्तन फक्तन ऐसे चमचे को हिलाते रहना है ताकि दूध हमारा नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो इसमें अब हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। तो इसे अब हम आराम आराम से ऐसे डालते जाएंगे और साथ साथ चमचे को हिलाते जाएंगे ताकि अंदर कोई लम्स ना बने। तो बस इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। अब हम कोको पाउडर में दूध मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम से आप ऐड नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की पुडिंग है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करना है। बहुत अच्छे से माशाल्लाह मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। 2-3 चम्मच दूध हमारा बच गया, इसे हम साइड पर रखते हैं। अब हमने ये जो कोको पाउडर का पेस्ट तैयार किया ये हम ऐड कर देते हैं और साथ साथ हम हिलाते रहेंगे इसको। तो हमने इसे अच्छे से स्मूथ करना है और इसे हिलाते रहना है, बिल्कुल आपने रुकना नहीं है। तो अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेते हैं। ये मेरे चैनल पे है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो अगर आप चाहें तो चीनी भी आप डाल सकते हैं। मीठा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप डाल लीजिएगा कंडेंस मिल्क या फिर चीनी। तो हमने इसे 5 मिनट तक पकाना है अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी पुडिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। अब हम इसे एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्रिज में रखते हैं। तो अब हम कॉफ़ी सिरप तैयार कर लेते हैं। 2 टीस्पून कॉफ़ी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 कप नीम गर्म पानी मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे अब हम साइड पर रखते हैं। तो ये हमारी पुडिंग माशाल्लाह ठंडी हो गई है। तो अब हम बिस्किट इसके अंदर सेट करके रख लेते हैं। आप चाहें तो खाली दूध भी ले सकते हैं। तो बस ऐसे ही आपने डीप कर करके इसके अंदर पूरे इसके अंदर आपने बिस्किट रख देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके ऊपर पुडिंग रख देते हैं। इसको अब हम सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम फिर बिस्किट रखते हैं। 3 तह हमने लगानी है बिस्किट की। तो अब इसके ऊपर हम बनाना रख लेते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट रख सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फिर पुडिंग डाल देते हैं अच्छे से। अब फिर इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। इसके ऊपर फिर हम बिस्किट सेट करते हैं। तो ये मैं अच्छी तरह सेट करके तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। हमने बहुत अच्छे से पुडिंग को सेट कर लिया ऊपर, और अब हम उसके ऊपर चॉकलेट लगा देते हैं। आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने डेरी मिल्क यूज़ की है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है चॉकलेट।
तो ये हमारी माशाल्लाह तैयार हो गया चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। तो इसे अब हम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह केक बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह ठंडा हो गया है, तो इसे हमने निकाल लिया है। तो इसके ऊपर की जो डेकोरेशन है वो अपनी पसंद से भी आप कर सकती हैं। तो आप इसको ओवरनाइट ही बना के रख सकते हैं या एक दिन पहले भी इसको बना के तैयार करके रख सकते हैं। जैसे आपके मेहमान आने वाले हैं तो आप फौरन से भी इसे तैयार करके तो उनको आगे पेश कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही जल्दी बन जाने वाली पुडिंग है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक दफ़ा प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार है माशाल्लाह। तो अब मैं आपको इसको काट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ कि ये माशा अंदर से कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ये आपसे पुडिंग कैसी बनी है। तो इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।